दोस्तों, अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है, जो पूरी तरीका से बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा इस भव्य मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। और दोस्तों, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले यहां पर ऐसे चमत्कारी घटना देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान है। वैज्ञानिक भी इस चमत्कार को देखकर काफी हैरान है। बताया जाता है दोस्तों कि जो गिद्ध की प्रजाति साल 2000 के बाद हमेशा के लिए विलुप्त हो गया था, कई सालों तक हमें दिखाई नहीं दिया था और आज सैकड़ों गिद्ध इस मंदिर के आसपास दिखाई दे रहा। कई लोग इसे साक्षात जटायु भी कह रहा है, जो भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए आ रहा है। और कई भालुओं नागो वृक्ष भी इस मंदिर के आसपास दिखाई दे रहा है, जो सभी भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आ रहा है। दोस्तों, क्या है इस भगवान श्री राम मंदिर का रहस्य, आज की इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो बने रहें दोस्तों वीडियो में बिल्कुल पूरा लास्ट तक। हेलो दोस्तों, मैं चुनेश्वर पटेल, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप सभी लोग भगवान श्री राम जी का सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें। जैसा कि दोस्तों जिस पल का था पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार, भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है, जो 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा इस भव्य राम मंदिर में किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब से श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही यहां पर अनेक चमत्कार पे ही चमत्कार देखने को मिल रहा है। सबसे पहले चमत्कार तब हो गया जब इस मंदिर के आसपास पर जटायु के वंशज सैकड़ों गिद्ध की प्रजाति मंदिर के ऊपर आकाश में उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। इसे देखकर आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गया कि इतने सारे गिद्ध का झुंड कैसे आ गया। कई लोग बोल रहे हैं कि यह सभी गिद्ध भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आ रहा है। कई लोग इसे सचमुच का जटायु समझकर पूजा अर्चना और प्रार्थना कर रहे हैं। इन सभी चमत्कार को देखकर सभी लोग कुदरत का करिश्मा समझ रहा है, जो सभी भगवान श्री राम लला की प्राण में सम्मिलित होने के लिए आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, गिद्धों की वसंज जटायु ने ही रावण द्वारा पुष्पक विमान से माता सीता की हरण के समय जटायु ने ही रावण से युद्ध किया था। जटायु ने अपने पैरों की पंजों से रावण को लहूलुहान कर दिया था, रावण को बुरी तरह से घायल कर दिया था। तब दुष्ट रावण ने अपने मायावी शक्तियों के द्वारा जटायु के पंखों को तलवार से काट दिया, जिससे बेचारा पक्षी राज जटायु बुरी तरह से घायल हो गया और आकाश से धरती पर आ गिरा। माता सीता की खोज में श्री राम की राह पर जटायु पहला शहीद था। इसीलिए लिए दोस्तों, जटायु के वंशज गिद्ध को सचमुच भगवान समझकर पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, प्रभु श्री राम का जन्मभूमि वाल्मीकि रामायण के द्वारा और पुराणों की प्रसंग से पता चलता है कि अयोध्या में श्री राम भगवान का जन्मभूमि था। सालों तक राम राज्य चलने के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी एकदम से सन्नाटा छा गया। पुराणिक मान्यताओं के अनुसार इतिहास पर नजर डालें तो इस जगह पर उज्जैनी के राजा विक्रम आदित्य जब यहां पर अखेट करने आए तो उजाड़ जगह भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई दिखने लगा। खोज करने पर पता चला कि यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। उसके बाद यहां पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनवाया। उसके बाद 14वीं शताब्दी के बाद जब मुगलों का राज चला तो यहां पर श्री राम मंदिर को तोड़वा कर यहां पर बाबरी मस्जिद निर्माण करवा दिया था। 1525 में राम जन्मभूमि को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करवाया था। देखने में पता चलता है कि बाबरी मस्जिद में 3 गुम्बद थी, जिसके बाहरी हिस्से में श्री राम की बालस्वरूप की पूजा होती थी। इसे श्री राम चबूतरा भी कहा करते थे। उसके बाद 1950 में बाबरी मस्जिद के ठीक नीचे भगवान श्री राम का मूर्ति निकला, जो सदियों से वहां पर स्थित था। बाबरी मस्जिद और श्री राम मंदिर की सालों तक चले विवादों के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में इस भव्य मंदिर में हो रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के सभी सरकारों द्वारा 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ,
दोस्तों, अयोध्या में दुनिया की सबसे बड़ा मंदिर बना है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु भगवान श्री राम मंदिर का दर्शन करने लिए आएंगे। और दोस्तों, भगवान श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की इस मौके को खास बनाने के लिए देश विदेश से अयोध्या के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। इसमें 108 फुट लंबी और 3.5 फीट चौड़ाई अगरबत्ती अयोध्या में श्री राम मंदिर में गुजरात से लाई गई है, और यह अगरबत्ती 45 दिनों तक जलेगी, जिसका सुगंध श्री राम मंदिर सहित अपने चारों तरफ करीब 50 किलोमीटर के क्षेत्र की खुशबू से सुगंधित करेगा। और इस अगरबत्ती को तैयार करने के लिए गाय के गोबर, घी, सार, फूलों के अर्क और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, जो वातावरण को प्रभावित नहीं करेगा। इसको एक विशेष हर्बल की मात्रा से पूर्ण रूप से तैयार किया गया है, और इस मंदिर में 2100 किलोग्राम की घंटा विशेष रूप से लाई गई है, जिसमें भव्य श्री राम मंदिर में एटा की पहचान भी दिखेगी। यह जलेसर में तैयार हुआ 2100 किलो अष्ट धातु का घंटा अयोध्या धाम के राम सेवक पुरम में स्थापित किया जाएगा। इस घंटे को बनाने के लिए करीब 2 साल का समय लगा। 2100 किलो के घंटे को राम मंदिर के अंदर स्थापित किया जाएगा, जिसकी गूंज से पूरे अयोध्या में सुनाई देगी। पूरे परिसर में लगने वाला यह सबसे बड़ा घंटा होगा, और 1100 किलोग्राम वजन की एक विशाल दीपक राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दिन देश भर में घी के दीपक जलाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा दीपक जलेगा राम की अयोध्या में। वडोदरा के किसान अरविंद भाई पटेल ने 1100 किलो का यह विशालकाय दीपक अयोध्या के लिए भेजा है। इस दीपक को बनाने में मिट्टी और पंचधातु का प्रयोग किया गया है। उसके बाद यहाँ पर सोने के खड़ाम चल्ला श्रीनिवास शास्त्री भगवान राम के खड़ाम 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बने तैयार किया गया है। अलीगढ़ के ताला व्यापारी सत्य प्रकाश शर्मा ने 10 फीट ऊंचे, 4.6 फीट चौड़े, 9.5 इंच मोटे और 400 किलोग्राम वजनी ताला चाबी तैयार कराया। यह दुनिया का सबसे बड़ा ताला और चाबी है। इसे मंदिर में प्रतीकात्मक ताले के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। लखनऊ के एक सब्जी विक्रेता ने अयोध्या के श्री राम मंदिर के लिए एक विशेष उपहार सौंपा है, जो 8 देशों का समय एक साथ बताने वाली एक घड़ी विशेष आकर्षण रूप से लाई गई है, और अयोध्या श्री राम मंदिर के शिखर का ध्वज दंड एक विशेष प्रकार की विशालकाय के रूप में तैयार किया गया है, और इस ध्वज दंड को अहमदाबाद से श्री राम मंदिर के लिए लाए गए हैं, और इस ध्वज दंड की ऊंचाई 44 फीट है और इसका वजन 5.5 टन है। श्री राम मंदिर के इस शिखर के तीसरे तल पर इस ध्वज दंड को स्थापित किया जाएगा। श्री राम मंदिर के विस्तारित मॉडल के अनुसार इस शिखर की ऊंचाई लगभग 161 फीट है। तो दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।